आजकल 1000 से 2000 की प्राइस रेंज के अंदर काफी ज्यादा टाइप्स के आपको हेडफोन ड्राइवर्स देखने को मिल जाएंगे, जिनके ऊपर काफी ज्यादा क्वालिटीज मेंशन होती है। कोई 20 घंटे चल रहा है तो कोई 40 घंटे चल रहा है, फिर कहीं पे उन्हीं के कोनों में लिखा हुआ मिलता है अप टू 50% वॉल्यूम, अप टू 60% वॉल्यूम। किसी के ऊपर आपको 40 mm के ड्राइवर दिखाई जाएंगे, किसी के ऊपर आपको 50 mm के ड्राइवर दिखाई जाएंगे, किसी पे आपको ANC और PNC के नाम पे पागल बनाया जाएगा, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, पैसिव नॉइस कैंसिलेशन, इन सब के चक्रों में फंसा के आपको भाई साहब चीजें बेची जाती है। मोस्टली 90% लोग यही करते हैं कि कभी भी उनको हेडफोन खरीदना होता है वो सीधा जाते हैं अमेज़न के ऊपर, लिखते हैं बेस्ट हेडफोन अंडर 1000-2000 जो भी उनका प्राइस रहता है, स्क्रॉल करते हैं, जो ऊपर नीचे दिखता है बढ़िया रेटिंग दिखती है, बाय नाउ कर लेते हैं। और यही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होने वाली है। भाई साहब 2024 आ चुका है, तो अब आपको अमेज़न की रेटिंग पे विश्वास करना थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। कुछ 5 या 6 हेडफोन्स मैंने सेलेक्ट किए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर हो सकते हैं। तो चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको एक एक चीज दिखाऊंगा कि आपको भाई साहब 40 mm और 50 mm के ड्राइवर के अंदर कितना डिफरेंस है, कौन सा आपको लेना चाहिए, रेटिंग्स रिव्यूज कहाँ मैटर करते हैं कहाँ नहीं करते हैं। चाहे आप एक नॉर्मल अपना जिम के लिए देख रहे हैं, चाहे आप म्यूजिक सुनने के लिए देख रहे हैं, चाहे आप मूवीज के लिए देख रहे हैं, आप डीप बेस ढूंढ रहे हैं, आप वोकल्स ढूंढ रहे हैं, आप क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, आप बैटरी बैकअप ढूंढ रहे हैं, हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर देने का कोशिश करता हूँ। शुरुआत करते हैं और मैंने कुछ यहाँ पे आपके लिए हेडफोन सेलेक्ट कर रखे हैं, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। सारों का परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर रहता हूँ, वहां से जाकर इजीली परचेस कर सकते हैं। वेल, जो मैंने हेडफोन सेलेक्ट किए वो अप्रोक्स आपको 2000 से अंदर अंदर देखने को मिलेंगे और अपना फोकस रहेगा बेटर साउंड क्वालिटी पे, बेटर डिटेलिंग पे एंड बेटर ऑडियो आउटपुट पे, ना कि गेमिंग लो लेटेंसी इस पे नहीं रहेगा, है ना। और बैटरी बैकअप ऑब्वियसली अपन चेक करेंगे। पहला हेडफोन मैं आपके लिए दिखा देता हूँ, ऐसा नहीं कि भाई मैं यहाँ से रेंडमली सेलेक्ट कर करके दिखा रहा हूँ, ये कार्ड में मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं, ये सारे हेडफोन आपको देखने को मिलने वाले। तो ये एक आपको ज़ेब्रोनिक्स का सिस्टम देखने को मिलता है, ये वैसे ना ही लो तो बेटर है, लेकिन हार्डली बजट है कि 600-800 से नीचे ही चाहिए, उससे ऊपर लेना ही नहीं है, तो ये बेटर है। प्रीमियम फील देगा, कंफर्ट अच्छा है, यहाँ पे आपको कुशनिंग देखने को मिल जाती है, ये आपको ऑन ईयर हेडफोन देखने को मिलेगा, ना ये ओवर है ना ये इन है। आपको 40 mm के यहाँ पे आपको ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत बेटर है इस प्राइस के हिसाब से, तो बेटर ही है। यहाँ पे एक देख लो चीज, मैं आपको बोल रहा था टाइप सी होना चाहिए, टाइप सी ये तो नहीं दिख रहा मेरे भाई, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है भाई, माइक आपको देखने को मिल रहा है, ऑक्स आपको देखने को मिल रहा है, शायद ड्यूअल माइक का सपोर्ट भी है, वो भी आपको देखने को मिल रहा है। एक आपको यहाँ पे कंट्रोल के लिए कॉल पिक करने के लिए स्पेशल बटन दिया गया, बेटर है। 700 रुपए के अंदर इससे ज्यादा अपन नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, ठीक है। 60 आवर्स ऑफ प्लेबैक टाइम, वाह भाई क्या बात है, 60 घंटे चलेगा ये। लेकिन ये देखो नीचे क्या लिखा, इसी चीज की मैं बात कर रहा था, 50% वॉल्यूम, 30 घंटे हो गया प्लेबैक टाइम। अगर आप 100% वॉल्यूम पे सुनते हैं, फिर इसके अंदर डिस्टॉर्शन काट दो, कुछ लाउडनेस इसका पैरामीटर होगा सेट कर लो, अप्रोक्स मान के चलो ये 20 घंटा बहुत ज्यादा हार्डली बोल सकते हैं चलेगा, ठीक है। बाकी कंपनी जो क्लेम कर रही है वो उन्होंने टेस्ट किया है तो वो क्लेम कर रही है। बाकी कुछ यहाँ पे आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, गूगल असिस्टेंट एंड सीरी का सपोर्ट है ऑब्वियसली, के लिए फायदेमंद है, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको 5.3 की देखने को मिलती है। रेटिंग इसके ऊपर दबा के है 52,000+ रेटिंग है इसके ऊपर, 52,000+, ऑब्वियसली ये आपके लिए एक बेटर चॉइस हो सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। चलते हैं नेक्स्ट पीस के ऊपर, जो मैं आपको इसी का एक भाई दिखाने वाला था, ये वाला कलर भी बहुत बेटर है और ये बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ में आता है, तो इससे ज्यादा मैं क्या ही बताऊं। 1000 का आपका प्राइस है, 1000 से ऊपर आपको नहीं जाना है कि नहीं 1000 तो मेरा लास्ट, 1000 से ऊपर मैं नहीं जा सकता हूं, एंड कंफर्ट चाहिए। अगर स्ट्रिक्ट 1000 आपका प्राइस है तो इसके अलावा भी बहुत है, बट ये एक बहुत अच्छी चॉइस है, गुड चॉइस है, तो ये मैंने सेलेक्ट किया। 999 के प्राइस में देखने को मिलता है, थोड़ा सा डिजाइन चेंज है इसके अंदर, आपको इसके अंदर भी आपको सेम ऑन ईयर पैटर्न ही देखने को मिलता है, बट इसके ऊपर आपको थोड़ा सा प्रीमियमनेस ज्यादा फील होगा। ग्लॉसी प्लास्टिक है प्लस मैट प्लास्टिक का कॉम्बिनेशन है, कंफर्ट के लिए आपको ऊपर भी कुशनिंग दी जा रही है, एंड उसी के साथ में आपको 40 mm के ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं, पावरफुल ड्राइवर देखने को मिलते हैं। जस्ट भाई साहब ये ग्राफिक डिजाइनिंग का खेल है, जस्ट 40 mm ड्राइवर्स है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, तो आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। गेमिंग मोड के नाम पे आपको जस्ट ऑक्स का वायर मिलता है, लगाइए खेलिए, लो लेटेंसी आई डोंट थिंक कि इसके अंदर उस लेवल की मिलेगी, मिली 3 सेकंड की लेटेंसी भी अगर होती है तो इतना बंदा पेटी बना के चला जाता है, सारे गेमर्स रिलेट कर सकते हैं। डीप बेस आपको देखने को मिलता है, ये हो सकता है पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है कि इसके अंदर आपको बेटर साउंड डिजाइनिंग देखने को मिले, बेटर आपको साउंड सेपरेशन देखने को मिले, तो इस पॉइंट पे अपन बिल्कुल एग्री कर सकते हैं कि आपको डीप बेस अच्छा देखने को मिलेगा। बैटरी बैकअप के अंदर कोई भी फर्क नहीं है, चाहे आप 800 खर्चो चाहे 1000 खर्चो, 60 घंटे का प्लेबैक टाइम है, बैकअप टाइम है एट 50% वॉल्यूम, नजर जाए तो ठीक, ना जाए तो भी ठीक। कंट्रोल्स फीचर एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको ऑन ऑफ स्विच का देखने को मिलता है, एसडी कार्ड भी लगा सकते हैं भाई, आपको चाहिए कि फोन ऑन का तो जमाना गया, अब तो हम डायरेक्ट मेमोरी कार्ड लगा के गाने सुनेंगे, वो आप कर सकते हैं। वॉल्यूम का है प्लस माइनस, जो भी आपकी इच्छा हो करिए। माइक का सपोर्ट है, लेकिन हेडफोन का माइक पता है कैसी आवाज आती है। 1000 रुपए के अंदर इतनी सब चीजें, एटलीस्ट आपका वो काम हो जाएगा, ऐसा कोई काम नहीं जो अटकेगा नहीं, कॉल आ रहा है एक बार के लिए अटेंड हो जाएगा, साइड में रुक लीजिए बात कर लीजिए, ऐसा तो है नहीं कि भाई हेडफोन को आप बिना मोबाइल के चला लेंगे, जेब में मोबाइल होगा तभी तो हेडफोन है तो उसी पे यूज करोगे, 2 मिनट लग रहा है फोन काट के जेब से ही बात कर लेना मोबाइल से, हाँ माइक की जरूरत पड़ रही है 1000 रुपए के अंदर। 15-20 हजार का मोबाइल भी तो लिया है, उसमें भी तो है माइक, ये थोड़ा मेंटेलिटी सुधार
डालने चाहिए। सोच बदलो, देश बदलेगा। सॉफ्ट ईयर कुछ नहीं है, ठीक है, ड्यूअल पेयरिंग कर सकते हैं। अगर आपको गाने वाने सुनने के, भाई मैं जो सुन रहा हूँ तुम भी वही गाना सुनोगे, दूसरा गाना नहीं सुन सकते, तो आप पेयरिंग कर सकते हैं, दो हेडफोन एक साथ सेम गाना बजाएंगे। टाइप सी चार्जिंग, चलो कुछ अच्छा अपग्रेड हुआ। ये चीज ऑब्वियसली उसके अंदर नहीं थी, कहीं मेंशन नहीं थी, इसके अंदर मेंशन है। टाइप सी है तो बेटर चार्जिंग हो पाएगी, कम टाइम के अंदर जल्दी चार्ज हो जाएगा। एंड टाइप सी है तो ऑब्वियसली थोड़ा कंफर्ट भी रहता है, क्योंकि यार आजकल हर बंदे के पास में टाइप सी केबल ही मिलती है, बहुत मुश्किल से वो पुरानी वाली केबल अरेंज हो पाती है। ये भी आप परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। 999 का प्राइस है अभी, ये जो सेल वेल चल रही है उस हिसाब से है। एंड इस पे भी आपको 52,000 प्लस रेटिंग देखने को मिलती है। क्या पता, मुझे समझ नहीं आ रहा उसकी और इसकी रेटिंग इन्होंने मिला तो नहीं दी, बट ठीक है जो भी है। बोट रोकर 450, और ये भाई जितना बिका है ना हद पार बिका है, और अभी भी ये आउट ऑफ स्टॉक है। केवल इसका एक पीस अवेलेबल है, एक क्वालिटी वाला पीस अवेलेबल है, जो कि आपको 1900 रुपए का देखने को मिल रहा है। मैं पछता रहा हूँ इसको मैंने नहीं खरीदा, ये मैंने लिटरली 4 महीने पहले 1200 की प्राइस पे देखा था। मैंने क्या सोचा था, मैंने सोचा था इसको 1000 रुपए या 1100 पे खरीदा जाएगा, उसके बाद मैंने इसको 1500 की प्राइस पे देखा, फिर हमने 1200 की उम्मीद की 1200 पे आएगा तब खरीदेंगे, 1200 पे नहीं आया, 1500 से ही है, 1800 2000 चला गया। फिर मैंने सोचा काश 1500 आ जाता तो खरीद लेते, आज इसका प्राइस 1900 रुपए है, और आई डोंट थिंक सो कि अभी वापस उस प्राइस पे जाएगा। किसी को खरीदना है तो ये बोट को भी बताए कि भाई बहुत बिक रहा है, और ये सच में उनके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ग्रीन प्रोडक्ट है, इसलिए बिक रहा है और लोग बाग खरीद रहे हैं। भाई एक खरीदता दो खरीदता, इतना लोग थोड़ी ना खरीदते अगर बेकार होता। बोट रोकर 450 है, 40mm के ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं। ट्रू मेंशन कर रखा है कि आपको 15 आवर्स का प्लेबैक मिलता है, नहीं कहीं 50%, नहीं कहीं 100% वॉल्यूम, प्रॉपर 15 आवर्स का प्लेबैक है, क्योंकि मैक्स वॉल्यूम पे रहता है। अब ऐसा नहीं कि आप इसको 100% पे लगा के छोड़ दें। आपको ईयर कुशंस देखने को मिलते हैं, जो भी ऑन ईयर है, ओवर ईयर ये भी नहीं है, तो इसके अंदर भी आपको कहीं ना कहीं वो हल्का सा मन में रह जाएगा कि यार जो ओवर ईयर होता है उसके अंदर बाहर की साउंड बिल्कुल कट जाती है, केवल अंदर की साउंड आपको प्रॉपर मिलती है। फिर भी बहुत बेटर परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि बोट का साउंड सिग्नेचर है ना, उसके साथ में 40mm के यहाँ पे ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे देखिए मेंशन भी कर रखा है बोट का साउंड सिग्नेचर है। तो बोट का जैसा साउंड सिग्नेचर आपको पता ही है, नहीं पता मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा बेस की साइड ज्यादा रहता है, मिड्स आपको नॉर्मल मिलेंगे, एंड ट्रेबल्स आपके हल्के से पुश रहते हैं, ठीक है। तो वो चीज आपको यहाँ पे बोट के अंदर देखने को मिल जाएगी। 3-4 आपको कलर देखने को मिल जाते हैं, एक ब्लैक है इसका, एक आपको लाइट ब्लू सा देखने को मिलता है, एक आपको हल्का सा बेज क्रीम सा कलर देखने को मिलता है। तीनों कलर बहुत ज्यादा प्रीमियम लगते हैं, और ये आपके लिए आंख बंद करके एक वैल्यू फॉर मनी चॉइस है 110%। थोड़ा सा सस्ता होगा तो भाई मैं भी खरीदूंगा, रिव्यू इसी चैनल पे आने वाला है। उसी के साथ में इसका एक और बड़ा आपको वर्जन मिलता है, जिसके अंदर आपको प्लेबैक एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे मिलता है बोट रोकर 450 प्रो, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रो आपको थोड़ा सा महंगा जरूर देखने को मिलेगा, 2400 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। कल परसों में वीडियो बनाने का सोच रहा था, 2200 के रेट था। इसके अंदर कुछ फायदे हैं, कुछ ही हैं, ज्यादा नहीं है। ये भी एक ऑन ईयर है, 40mm के ही ड्राइवर है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 50mm होते, बट फिर भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इसका जो बैटरी बैकअप टाइम है 70 आवर्स का है, 70 घंटे, तो ये आपके लिए सच में एक बेटर चॉइस हो सकता है। ब्लूटूथ 5.0 का कनेक्टिविटी है, एंड उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं सारी एज यूजुअल है, दोनों आपके लिए बेटर चॉइस है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, तुम्हारे भाई के लिंक से खरीदेगा, कुछ पैसे आएंगे तो ऐसे और वीडियो आपके लिए बन जाएंगे। बोट का एक और हेडफोन जो कि बहुत ज्यादा अच्छा मुझे लगा, क्योंकि भाई साहब इसके अंदर आपको 50mm के ड्राइवर देखने को मिलते हैं, जो बिल्कुल ट्रू साउंड लवर्स है, जिनको पता चलता है कि भाई आवाज क्या मायने करती है, उसका डेसिबल्स कितना वैल्यू करता है, उसका जो डीप फ्रीक्वेंसी है वो कितने वैल्यू करते हैं, उन सबका किसी को महत्व जानना है और कोई पहचानते हैं उनके लिए सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 20 घंटे का प्लेबैक टाइम है, बेकार नहीं कह सकते हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि 50mm का साउंड ड्राइवर, प्लस एक चीज आपको और इसके अंदर बढ़िया देखने को मिलती है, वो ये है कि ये भाई साहब आपको ओवर ईयर कुशनिंग प्रोवाइड करते हैं। ओवर ईयर कुशनिंग मतलब आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल नेक्स्ट लेवल मामला है, और इसके अंदर आपको फिजिकल नॉइस आइसोलेशन देखने को मिलता है। थोड़ा सा शब्दों में बदलाव कर दिया गया है, PNI कर दिया गया है, PNC होता है, फिजिकल नॉइस आइसोलेशन के अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा भाई साहब। ओवर ईयर हेडफोन है, ऑब्वियसली कुशनिंग लगेगी तो बाहर की आवाज वैसे ही कट जाएगी, वो एक नॉर्मल प्रोसेस से कटेगी, उसके अंदर आपका कोई सॉफ्टवेयर का काम नहीं रहेगा, कोई हेडफोन्स का वर्किंग नहीं रहेगा कि माइक से आवाज आ रही है, और कुछ नहीं होगा, नॉर्मली क्वेश्चन लग जाएंगे तो उसके वजह से बाहर की आवाज नहीं सुनाई देगी, उसको उन्होंने नाम दे दिया PNI, फिजिकल नॉइस आइसोलेशन, ठीक है। तो ये चीज आपको मिलेगी इसके अंदर, कहीं ना कहीं फील होती है, और सबसे ज्यादा फील होती है भाई साहब जो आपके TWS आता है ना, रबर ग्रिप वाले, कान में लगाती है, ऑब्वियसली आपको पता है बाहर की आवाज नहीं आती, चाहे कुछ सुनो ना सुनो, वो वाली चीज है। बाकी बिल्ट बहुत ज्यादा शानदार है, और इसके अंदर आपको यहाँ पे 500mAh का एक बैटरी देखने को मिलता है, जो कि वो अपने लिए इतना मैटर नहीं करता, आपको ठीक है मिलता है बैटरी बढ़िया है, और उसके साथ में आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई साहब 50mm ड्राइवर प्लस 20 घंटे का प्लेबैक है, और नॉर्मल आइसोलेशन है, और 2200-2300 का ये है। इसके अंदर बहुत ज्यादा कलर्स अवेलेबल है, बट अभी फिलहाल के लिए नहीं मिल रहे हैं, तो कार्ट में डाल सकते हैं इसको, अपना चॉइस बना सकते हैं, ये वैल्यू फॉर मनी चीज है। अगर आपको 2000 के अंदर ही रहना है, 2000 से ऊपर नहीं जाना है, तो ये एक नॉइस का हेडफोन है, बहुत ज्यादा प्रीमियम हेडफोन है, और ये आपके लिए एक बहुत बेटर चॉइस हो सकता है। अगर आप जिम विम जाना पसंद करते हैं, मूवीज आप रेगुलर बेसिस पे देखना पसंद करते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, थोड़ा बहुत PC-VC पे काम कर लेते हैं, लैपटॉप पे काम कर लेते हैं, कॉन्टेंट क्रिएशन अगर आपका मेन पॉइंट नहीं है, आपके उसके अलावा भी बहुत ज्यादा यूजर है, तो ये आपको हर
चीज के अंदर हेल्प करने वाला है। बट एक सिंगल प्रॉब्लम है, इससे आप जीरो लेटेंसी का गेमिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको ऑक्स का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है। टाइप सी आपको अंदर देखने को मिलता है, माइक सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, पूरा प्रीमियम डिजाइन आप कह सकते हैं वो आपको देखने को मिलता है। एक लेटेस्ट कनेक्टिविटी है, ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। 7 आवर्स ऑफ प्ले टाइम देखने को मिलता है आपको। सिंपल सी बात है, 7 घंटे प्लेबैक, कोई दिखावा नहीं, कोई कुछ नहीं। 40mm का ड्राइवर है, शॉर्ट मामला है, ड्यूअल पेयरिंग कर सकते हैं। गेमिंग के लिए आपको एक लो लेटेंसी मोड भी मिल जाता है। अगर नॉइस ने लो लेटेंसी दिया है तो वो बेटर वर्क करता होगा, इस पे आप गेमिंग भी कर सकते हैं। बट ये नहीं कि भाई साहब आप टूर्नामेंट खेलने लग जाओ इसको लेके, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी खेल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी गेम को, या फिर आप जैसे होता ना कि भाई लैग कर गया मेरा गेम या मेरी आवाज नहीं आई, वो चीज का आप इस पे वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर लेटेंसी मोड है। ये परचेज कर सकते हैं, बढ़िया डिसीजन हो सकता है आपके लिए। मैंने भाई बहुत रिसर्च करके वीडियो बनाए, कार्ट में मैंने कब से डाले एक एक, मतलब लिटरली मैंने देखा है, डिटेल पढ़ा है, फिर उसको कार्ट में लगाया। और अब आपको मैं एक समरी बता रहा हूँ परचेज करने के लिए। आप 10 लोगों की वीडियो देखोगे, 10 हेडफोन देखोगे, उसके ऊपर भाई कोई पानी छिड़क के दिखाएगा, कोई उसको मिट्टी में गिरा के दिखाएगा, कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं। भाई आप खुद थोड़ी ना उसको हेडफोन को लेकर स्विमिंग पूल में नहाने जाने वाले हो, प्रैक्टिकल यूजेस दिखाएं भाई। मैंने लोगों के एक्सपीरियंस सुने, साउंड क्वालिटी बेटर बेटर अलग अलग उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस दिए, मैंने वो सुन के इनको सेलेक्ट किए और उस हिसाब से आपके लिए यहाँ पे डिसीजन बनाया। तो जाके जरूर से खरीदिएगा भाई, आप कुछ भी खरीदते हैं लिंक आप डिस्क्रिप्शन के अंदर मांग सकते हैं। मैं चैनल चला रहा हूँ तो कमेंट का रिप्लाई तो ऑब्वियसली दे ही सकता हूँ।